सबसे पहला सवाल यही, कौन है बुद्ध और बुद्ध का हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? प्रदीप जी, हमारे दर्शकों को यही बताएं। जी देखिए, पिछले भाग में हमने जब बात करी तो उसमें हमने सूर्य की चर्चा की जी। तो सूर्य को हमने राजा कहा, बुद्ध को हम मंत्रिमंडल में संज्ञा देते हैं राजकुमार की। अच्छा, तो राजकुमार क्या होता है? यंग होता है, उसके अंदर काम करने का जज्बा होता है जी। जिसका भी बुद्ध अच्छा होगा उसके अंदर काम करने की लर्निंग की जो कैपेसिटी होगी वो बहुत स्ट्रांग होती है जी। इसके साथ साथ वेस्टर्न पद्धति में हम मैसेंजर ऑफ गॉड बोलते हैं बुद्ध को। अच्छा, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो यानी कि जो बुद्ध है उसके अंदर बोलने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक है, यानी कि वाणी का जो कारक मेन कारक ग्रह है वो आपका बुद्ध है। इसके साथ साथ बुद्धि का जो ग्रह है, जिससे हम बुद्धि की देखते हैं कि ये बंदा कितना इंटेलेक्ट है, कितना लॉजिकली स्ट्रॉन्ग है, वो बुद्ध बताता है आपको। अभिनय की आजादी या अभिनय अभिव्यक्ति की आजादी जो आपको देता है वो बुद्ध देता है। यानी कि अगर आप नेचुरल एक्टर हैं, अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं अपनी भाषा से, अपने एक्सप्रेशन से, तो वो बुद्ध आपको देता है। यानी कि जितने भी इस समाज में एक्टर्स हैं जो एक्टिंग करते हैं, एक्चुअल में जो अभिनय के क्षेत्र में, उनका बुद्ध अच्छा होता है, तभी आप अच्छी एक्टिंग कर पाएंगे। या ये भी कहें कि जो सूत्रधार है यानी जो अच्छे वक्ता है, उनका बुद्ध कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, मजबूत वाणी के लिए, अभिनय के लिए। क्योंकि आप अभिव्यक्त जो कर रहे हैं वो वाणी से भी करते हैं और एक्सप्रेशन से भी करते हैं, तो दोनों के लिए आपको बुद्ध की जरूरत है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कारक है वो भी बुद्ध है, यानी कि फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है वो बुद्ध आपको बताएगा। जिसका बुद्ध अच्छा होगा वो इतना जुगाड़ू होगा फाइनेंस में कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। तो इसीलिए बुद्ध को व्यापार का भी कारक हम मानते हैं। और बुद्ध, अगर हम बात करें कि जो बुद्ध है, गुरु, चंद्रमा और बुद्ध दोनों व्यापारी आपको बनाते हैं। दोनों का जो वर्ण है वो शूद्र है, सॉरी, दोनों का जो वर्ण है वो वैश्य वर्ण है, दोनों व्यापार वर्ग से। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बुद्ध है वो पूर्ण व्यापारी है, जो चंद्रमा है वो उदार व्यापारी है, इमोशनल है वो, उसके अंदर इमोशंस है। मान लीजिए कि आप व्यापार करते हैं और आपका बुद्ध रूल कर रहा है आपको, आपके 10th हाउस में माल लेते हैं, 10th घर में बुद्ध है, तो आपके पास अगर कोई व्यक्ति आएगा सामान लेने के लिए और वो बोलता है जी मेरे पास ना इतने पैसे नहीं है, आप मेरे पास तो मान लो 100 रुपए का सामान है, मेरे पास ना सिर्फ 90 रुपए हैं, तो आप कहोगे बेचारे के पास नहीं है, चलो ठीक है, इसमें मेरा कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है, मैं दे देता हूँ, इसका भी काम हो जाएगा। सॉफ्ट है, उदार है, इमोशनल है। लेकिन वहीं पर अगर बुद्ध होगा वो नहीं देगा, और चूंकि उसको बोलना भी आता है तो वो बता, वाणी का भी धनी है और कैलकुलेटिव भी है और पूर्ण व्यापारी है, तो वो ये बोलेगा कि भाई देखो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मेरा इसका रेंट है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो माफ़ कीजिएगा मैं आपको ना इतने में दे नहीं पाऊंगा, तो वो नहीं देगा, चंद्रमा दे देगा। अब चूंकि हम बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो जब हम कॉन्शियस होते हैं, जब हम जागरूक होकर बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो हमारा बुद्ध एक्टिव है जी। हम बुद्ध की दृष्टि से बात कर रहे हैं क्योंकि वो जो हमारे अंदर ज्ञान है गुरु का दिया हुआ, उसको जो रिसाइकल कर रहा है और जो बोलने पे मजबूर कर रहा है या जो हमारी वाणी पर लाकर दे रहा है, वो बुद्ध है, रैम है, वो प्रोसेसर है आपका। अब आपका बुद्ध जब आप कॉन्शियस हैं तो एक्टिव है, जब आप सबकॉन्शियस हैं, जब आप अकेले में हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं, तो वहां पर आपका चंद्रमा एक्टिव हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, तो अब इसमें आपके कुंडली के जिस भी भाव में बुद्ध होगा, अगर आप उससे संबंधित कोई कार्य करते हैं तो एक्टिवली आप बहुत आनंद महसूस करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का बुद्ध 5th हाउस में, 5वें घर में, तो 5वां घर बुद्धि का है और वहीं पर बुद्धि का कारक प्लेनेट बुद्ध बैठा है जी। तो जब भी आपसे बुद्धि से जुड़ी हुई बातें, इंटेलेक्चुअल बातें करी जाएंगी, वहां पर आप बहुत प्रसन्न होंगे। बच्चों से जुड़ी हुई बातें करी जाएंगी तो आप प्रसन्नचित रहेंगे क्योंकि बच्चों का भी घर 5th हाउस है। प्रेम संबंधों के बारे में बात होगी तो वहां पर भी आप अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि उसका घर भी 5th हाउस है। शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी बात होगी, भले से आप टीचर हो, वहां पर आप ज्ञान देते हो, वहां पर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब मान लीजिए किसी का बुद्ध 10th हाउस में हो, तो जब भी व्यापार की बात आएगी
जब भी आप अपने काम धंधे पे होंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब बुध अगर आपका लगन में है जी, तो लगन का बुध आपको हर प्रकार से संपन्न बनाता है। अच्छा। यानी कि ऐसे मान लीजिए कि आपके अंदर व्यापार करने की या फाइनेंशियल चीजों को एनालाइज करने की, प्रॉफिट लॉस को देखने की आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जिसके लग्न में बुध हो वो नौकरी के बजाय व्यवसाय और व्यापार की दिशा में आगे बढ़े तो उसको ज्यादा सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन एक समस्या है उसमें जी। जब भी लगन में बैठे व्यक्ति वाला व्यक्ति, जिसके जिस व्यक्ति के लगन में बुध बैठा है, अगर वो व्यापार करता है तो एक बार उसको हैवी फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है, पड़ता है। अच्छा। तो अगर वो उसको झेल गया तो पूरा जीवन उसके धन संपन्नता बनी रहेगी, लेकिन अगर उससे निराश होके उसने छोड़ दिया तो फिर वो नौकरी करता रहेगा लेकिन खुश कभी नहीं रहेगा। खुश कभी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको तो व्यापार करना है, उसके अंदर तो वो कैपेसिटी है कि वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करे। अब नौकरी में तो अपने हिसाब से कर नहीं सकते, बॉस कुछ बोलेगा आपको ऑर्डर वही फॉलो करना है, तो वहां पर वो दुखी सा रहेगा फिर। यानी कि कहीं ना कहीं बुध हर एक चीज को प्रभावित करता है हमारे जीवन में, क्योंकि अर्थ से इसका जुड़ाव है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, बजट को मेंटेन करता है, वाणी का धनी है। तो यानी कि ये सारी चीजें जिसके पास होंगी वही जीवन में संपन्नता पाएगा और आगे बढ़ेगा जी। यानी बुध हमें बहुत प्रभावित करता है। बहुत प्रभावित करता है, तभी हम बोलते हैं किसी भी, हम प्रोफेशन की बात करते हैं, किसी भी प्रोफेशन की अगर उसमें आपको तरक्की चाहिए तो आपका बुध अच्छा होना मैंडेटरी है, अगर आपको उसके टॉप एंड लेवल पर पहुंचना है। क्योंकि जब तक आप वाणी से नहीं बोल पाएंगे, अच्छी वाणी नहीं होगी, तब तक आप सक्सेस नहीं कर सकते। जब तक आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता होगा तब तक भी नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छी पोस्ट होगी तो पैसा भी तो होगा। जब तक आप ज्ञान नहीं होगा या आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव नहीं होगा तब तक भी आप तरक्की नहीं कर सकते। तो आपका व्यापार या आपकी जॉब किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई हो, बुध का अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, एक चीज मैं अपने दर्शकों को और बताता चलूं, बुध को समझ लें। बुध को समझने का मतलब ये है कि जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि आपकी कुंडली में कहां पर बुध बैठे हुए हैं और वो आपको किस प्रकार के प्रभाव दे रहे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि बुध का आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपनी कुंडली को बेहतर तरीके से जानें। और आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिसपे आप अपनी कुंडली के बारे में आचार्य जी से जान सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, कहां आपका जन्म हुआ है, तारीख आप लिखकर भेजिए, हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में बुध आपको किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है और बुध आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। जी प्रदीप जी बात। अब मान लीजिए लेकिन आप कहीं ऐसी जॉब में या व्यापार में फंस गए हैं जहां पे उस बुध का उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है जी, तो आपको उसको ठीक तो करना होगा। बिल्कुल, ये बेहतर, बहुत जरूरी सवाल है। तो उसके लिए आप पन्ना पहन सकते हैं, एमरल्ड जी, लिटिल फिंगर में, सोने में या चांदी में, वो पत्री देखने के बाद समझ में आएगा। मतलब किसी भी पेशे में हो और अगर वहाँ पे आपका बुध पीड़ित है और अनुकूल आपको लाभ नहीं दे रहा है तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं इस बात का। ये छोटी छोटी उपाय हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन बातों का ख्याल रखें और अपने बुध को मजबूत जरूर कर लें। और किसी भी प्रकार के आपके मन में संशय हो, दुविधा हो, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर प्लस हो रहे हैं, आप उस पर हमें व्हाट्सएप कर जो जानकारी चाहते हैं आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं। प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हर बार की तरह इस बार भी हमने एक बड़े ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, जो एक महत्वपूर्ण प्लेनेट यानी कि बुध, जो हमें जीवन में धन धान वाणी की शक्ति आर्थिक रूप से हमें संपन्न बनाते, इसके बारे में आपने हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि बुध हमारे जीवन में क्या कुछ प्रभाव डालते हैं और बुध को हम कैसे बेहतर तरीके से मजबूत बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम लेकर आते रहेंगे आपको कुछ ऐसी विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियां जिनका हमारे आपके जीवन में बड़ा ही विशेष महत्व है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।